मीठी गोली वाले डॉक्टर थे हमारे साथ में, अभी जो कड़वी गोली वाले हैं उनसे मिल लेते हैं और होम्योपैथी के फायदे को लोगों को बताते हैं, जिससे कि जो है लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो गाँव गाँव तक कैसे पहुँचा? अभी सबको लाभ मिल रहा है, जो यात्रा है उसका सभी लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं, बहुत उत्साह है, जितने भी लाभार्थी हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, लंडोरा के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है, लगातार लाभ मिल रहा है, जो लोग छूट गए उनको लाभ मिलेगा, जो लाभार्थी हैं वो इसका स्वागत करेंगे। नहीं, सीखने की कोई उम्र होती? कोई उम्र नहीं होती है, बुढ़ी बैठी 65 साल की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोशनाबाद हरिद्वार के सौजन्य से कैंप लगा है। हम भी भारत सरकार की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें अपनी जो भारतीय स्कीम है उनको लेके आए थे। नाम है डॉक्टर कमल दुर्गापाल, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ लंढोरा में। उज्ज्वला योजना है, फ्री में गैस मिलता है इसमें ना, और जिसके परिवार में कोई भी गैस कनेक्शन पहले से ना हो। ग्रामीण मैम के जो मेन सुविधाएं हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है प्रधानमंत्री ये सन 2015 में सरकार ने शुरू की। हमारा ये है जवे वाली सब्जी है, पुलाव है, सब्जी सहित दलिया है, सूजी का हलवा है, दाल चावल है, मीठा चीला है और चावल साबुदाने की खीर है। जो हमारा आंगनवाड़ी है इसमें हमारे महीने में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक होता है अन्नप्राशन, जो हमारा 6 महीने का बच्चा हो गया उनके अन्नप्राशन के लिए, क्योंकि उन्हें माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की जरूरत पड़ती है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की चल रही है, गांव-गांव में जा रही है और गांव-गांव में हर एक जगह प्रशिक्षण भी दे जा रहे हैं और पूरे जो योजना है उनका साथ में स्टॉल लगा है। बांके बिहारी एक समूह है और इसमें जो यहाँ पे बैठी है महिलाएं, आपका नाम क्या है? मनवसी जी। ये कब से चला रहे हैं आप? यो 4 साल से चल रहा, 4-5 साल से। सलगम बाकी भी आ रही जी। कितनी महिलाएं इसमें आपके साथ जुड़ी? 11, 5-5 महिलाओं का समूह बना रखा है भैया। क्या क्या लाभ आपको मिल रहा है इसमें? बस लाभ यो नहीं लगा, अभी बना अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी जब मिलेगा तो थोड़ा लाभ भी होगा, अभी तो बना बना कर हम जो तैयार कर रहे हैं। सरकार से कोई लाभ मिल रहा है? अभी नहीं मिला, अभी नए जुड़े हैं, अभी नए नए जुड़े हैं। कितने समय से ये बन गया? यो तो 3-4 साल से चल रहा। क्या इसमें किस तरह से आप प्रशिक्षण देते हैं महिलाओं को? महिलाओं को बताते हैं जी, ये काम यही दी जाती है, जो बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? हाँ। आपका नाम जानेंगे? कुसुम, लंडोरा से। अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग आप दे? महिलाएं कम से कम 20-25 को तो दे दिया ट्रेनिंग, सब बनाते हैं सब मिलकर। अच्छा, क्या क्या बना लेते हैं? सारे स्वेटर, जर्सी और बच्चों के और काना के सब जूते, जुराब, टोपे, लाए पीड़ा भी बनाते हैं सर, और जो चीज आते हैं वो अभी हमने का टाइम नहीं मिला, मतलब बताया नहीं आखिर वहाँ मीटिंग हुआ वहाँ ले चलो बना कर, तो बना लेते हो। जी, आपने कहाँ से सीखा है बनाना? भाई अपने मन से सीखा। जो नई जो अभी जो नए बच्चे हैं, जो नई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो कैसे सीख? बस उन्हें बताना पड़ेगा जी, बताने से मैं सीख जाएंगे। हाँ, सीखना आसान है। सीखने की कोई उम्र होती? कोई उम्र नहीं होती है, बुढ़ी बैठी 65 साल की। माता जी 65 साल की है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं, आप कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन आगे चलते आगे क्या है जिला विधि की, इसकी जानकारी आप देंगे हमें? जी बताइए। अपने कैंप के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोशनाबाद हरिद्वार के सौजन्य से कैंप लगा है। हमारे यहाँ न्याय से संबंधित किसी का कोई भी वाद जो कहीं किसी कचहरी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए हमारे यहाँ से निशुल्क वकील आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उसकी कोई कोर्ट भी फीस भी नहीं होगी। जैसे घरेलू हिंसा के बारे में हमारे यहाँ सेल बना हुआ है, वहाँ पर घरेलू हिंसा के द्वारा भी समझौते कराए जाते हैं, मध्यस्थता के द्वारा भी समझौते कराए जाते हैं, जो कि हर जगह वैलिड होते हैं। ये न्याय विभाग की प्रक्रिया है, जो कि हमारे DLS से जिला हरिद्वार, नालसा स्टेट अथॉरिटी, नैनीताल, सुप्रीम कोर्ट, सभी में हमारे जो है बैच लगते हैं और ये सभी योजनाएं निशुल्क है। उसका ये पंपलेट है, इसमें ये सुविधाएं हैं जो इन लोगों को निशुल्क मिलती है। अगर हाँ 3 लाख तक की आय, अगर 3 लाख से ऊपर है तो उसके लिए आपको एक 10 रुपये के स्टाम्प पर अपनी आय लिख कर देना होगा, तो आपको यहाँ से निःशुल्क सहायता मिलेगी। तो ये विकसित योजना के तहत जो अभी चल रही है घर घर योजना, इसी के तहत? नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है ताकि लोगों को सब ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग प्रतिभाग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें आदेशित किया गया कि आप वहाँ भी इसके बारे में बताएं। वैसे हम स्कूल में गांव-गांव भी ये कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय सबके द्वार
न्याय सबके लिए, हमारा जो देश है सबको न्याय मिले। कुछ लोग पैसे के कारण या किसी डर के कारण अपना मुकदमा नहीं कर पाते हैं, तो वो इसके द्वारा अपने आप को मुकदमा कर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इसमें सुविधाएं मिल पाती है लोगों को या फिर केवल योजनाएं इसमें अटकी? नहीं नहीं, सुविधाएं पूरी मिलती है जी। हमारा जिला विधिक सेवा कार्यालय का ऑफिस है जिला हरिद्वार में, 10 से 5 किसी भी कार्य दिवस में साधारण कागज पर आप प्रार्थना पत्र देकर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कितने दिन आप कहाँ बैठते हैं, अलग दिन जो ये हमारा वहीं से हमें मिलता है दिशा निर्देश। तो जैसे आज हम यहाँ पर, हमें पता चला था कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम है, जहाँ भी जनता स्कूल जनसाधारण लोगों ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ लंडोरा में आप बैठे हैं, लंडोरा में आए कुछ आपके पास? हाँ आए हैं, अभी एक स्कूटी का मामला था, उनका उपभोक्ता का मसला था उनका, तो उनका मैंने अभी रजिस्टर करा दिया और वहाँ भेज दिया उन्हें। हाँ जी, इसमें फिर अपडेट कैसे लिया जाता है बाद में? अपडेट जो भी व्यक्ति से न्याय प्राप्त करेगा उसके साथ सब कुछ कोऑपरेट होता है। जैसे आपके पास में डिटेल आ गई है उसकी, तो उसको फिर दोबारा से फीडबैक उसको कैसे दिया जाए? उसको उसका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, उस पर बता दिया जाता है, उसकी कोई क्योरी अगर जरूरत हो कागज का वो कागज प्रोवाइड करा देता है। बिल्कुल कोर्ट की प्रक्रिया है। जैसे कोई घरेलू हिंसा वाला केस चल रहा किसी का, वो पुराना पेंडिंग में पड़ा हुआ है, घरेलू हिंसा का अगर कहीं उसने दायर नहीं किया है, जैसे घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती है, ये नहीं कि आदमी औरत पर घरेलू हिंसा कर रहा है, एक माँ भी अपनी सास पर हिंसा करती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र देकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। भरण पोषण की व्यवस्था हमारे यहाँ है, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी हम काम करते हैं। आप काफी दिनों से इसमें बैठे हैं, महिलाओं के केस ज्यादा है या फिर पुरुष पीड़ित, महिला पीड़ित या पुरुष पीड़ित ज्यादा किसके? नहीं, केस तो औसतन सभी के बराबर है, ये तो कभी हमने मूल्यांकन नहीं करा किसका ज्यादा है, लेकिन हमारा तो है कि लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम हमारा, बाकी काम विभाग का है। ये है जी, आगे स्टेट बैंक की टीम बैठी है, स्टेट बैंक वालों के पास में क्या क्या नया चल रहा है अभी? सर मेरा नाम वैसे हिमांशु शुक्ला हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लंडोरा ब्रांच से। ठीक है, हम भी भारत सरकार की जो संकल्प यात्रा चल रही है उसमें अपनी जो भारतीय स्कीम है उनको लेके आए थे। इसमें हमारे पास फिलहाल अभी दो स्कीम है, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, हाँ, और एक हमारे पास प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना जी। इसमें SBY है, ये 20 रुपये में होता है, 20 रुपये में आपको 2 लाख रुपये का कवर इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपके देखो रास्ते में चलते हैं गाड़ी गुड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमें नहीं पता वो हमारी गलती है किसी की गलती है, अगर उसमें एक्सीडेंट के थ्रू आपकी मौत होती है, कुछ भी होता है, तो आपके परिवार में जिसे आप नॉमिनी बनाओगे तो उसे 2 लाख रुपये तक का मिलता है, ये सिर्फ साल में एक बार कटता है। एक है JJBY ज्योति जीवन बीमा योजना, ये फिलहाल तो है ये अभी 230 का, वैसे साल में होता है ये 436 रुपये का, लेकिन सीजन के हिसाब से दिसंबर में जो भारत सरकार की स्कीम है इसमें हो जाता है 230 रुपये का। इसमें अगर आपकी किसी भी तरीके से मृत्यु होती है किसी भी तरीके से, तब आपको 2 लाख रुपये मिलता है आपकी फैमिली को जिसे आप नॉमिनी बनाओगे। जी सर, अभी कुछ आए कस्टमर? जी सर, कस्टमर आए बहुत सारे जो फॉर्म लेके गए, जिन्होंने भरा, कुछ हमारे ब्रांचों से जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उन्हें मिल चुका है मेरे सामने अभी। प्रक्रिया क्या है इन दोनों के फॉर्म भरने? सर इनके लिए तो सबसे पहले आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, ठीक है। अकाउंट होने के बाद इसकी उम्र होती है 18 से 50 साल, एक की 18 से 70 साल। 18 से 50 साल है वो JJBY होगा, जिसमें किसी भी तरीके से आपकी मृत्यु होती है, और जो SBY है उसमें होगी 18 से 70 साल तक। इसमें आपका अकाउंट ओपनिंग होगा, अकाउंट ओपनिंग के थ्रू आपका इंश्योरेंस होगा, साल में एक बार आपका 20 रुपये कटेगा जी। मंथली कोई इसमें चार्ज नहीं? मंथली कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ साल का ही होता है इसमें। अगर आप चाहो तो दोबारा आप बंद भी करवा सकते हो, उसके बाद कुछ नहीं कटेगा। प्रक्रिया कैसे होती है, फॉर्म भर के आप देंगे या फिर ऑनलाइन इसको? नहीं, जिस कस्टमर का यहाँ अगर अकाउंट नंबर है तो उसका हम भर के अपने सिस्टम के थ्रू हो जाएगा ब्रांच से, जिसका नहीं है वो ब्रांच में आके अकाउंट ओपन करवाएगा और तुरंत ही साथ के साथ उसका इंश्योरेंस। अगर अभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्या उनको बैंक जाना पड़ेगा या यहीं से अपडेट? अगर उनका अकाउंट है तो यहीं पे हो जाएगा, नहीं है तो हमें अपनी डिटेल दे के हम वहाँ से सिस्टम पे करके उन्हें अपडेट दे देंगे घर पे जाके फोन करके जी। कहाँ कहाँ पर ये चीज़ लागू हो रही है सर? ये हरिद्वार जितनी भी आपकी SBI सरकारी बैंक है सर, सब में लागू है आपकी सरकारी बैंकों में जी सर। चलिए अगले स्टॉल पर चलते हैं, अगले स्टॉल पर क्या है, राज के पशु चिकित्सा। मैं आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर कमल दुर्गापाल, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ लंडोरा में जी। और हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है अपने जो पशुओं से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनके बारे में, हमने पशु औषधियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, साथ ही हम यहाँ पर योजनाओं का जो हमारे विभागी चल रही हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारी मुख्यतः जो योजनाएं चल रही हैं वो हैं किसान क्रेडिट कार्ड, वो हम हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, बैंकों को प्रेषित किए जा रहे हैं।
साथ ही हम पशुधन बीमा के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पशुधन बीमा बेसिकली क्या है, इसमें जो आकस्मिक कभी भी पशुओं की क्षति हो जाती है तो उसके निवारण के लिए, वो क्षति की पूर्ति के लिए कि मुआवजा कुछ पशुओं को मिल जाए, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की संयुक्त प्रयास चल रहा है। सब्सिडी अनुदान दिया जा रहा है और SC परिवार जो हमारे हैं उनके लिए 80% की सब्सिडी है, APL परिवारों के लिए हमारी 60% की सब्सिडी है। तो इस प्रकार से योजना चल रही है, इनके बारे में हम बता रहे हैं। योजना में किस तरह से ये लोग प्रतिभाग करें, किस तरह से किसान इसमें जुड़े, ये सीधे हमारे पास आ सकते हैं, यहाँ पर भी आके और यहाँ पर भी आके हमसे नाम लिखवा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हॉस्पिटल में आकर भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर इनके घर पर जाके जो भी इनकी डिटेल्स होंगी, जानवरों को टैग करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और जो भी आगे जो फॉर्मेलिटीज होंगे उनको हम पूरा करेंगे। गाय के लिए स्पेशल क्या कोई स्कीम है जो गोपालन, गाय के लिए बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड एक अच्छी स्कीम चल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है कि जो भी व्यक्ति के पास, अपने पशुपालक के पास जो अपने घर के पशु हैं, उन पशुओं के लिए वो जो अभी प्रेजेंट में पशु हैं, करेंटली वो रियर कर रहा है, उन पशुओं के लिए वो उनके चारे के लिए, उनके आहार के लिए, उनकी जो पशु औषधियाँ कुछ होती है, भरण पोषण के लिए वो लोन ले सकता है। और जी, उसके लिए लोन ले सकता है और ये सुविधा है कि वो घर के पशुओं के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने घर के पशुओं पर वो लोन ले सकता है जो उनके भरण पोषण के लिए बेसिकली यूज में आए। कितना लोन हो सकता है एक पशु, ये पशुओं के हिसाब से, उनके दुग्ध उत्पादन के हिसाब से, जो क्षमता है उनकी उसके हिसाब से, यील्ड के हिसाब से लिमिट बन जाएगी। और लिमिट के हिसाब से सबसे अच्छी सुविधा क्या है, जैसे एक हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उपभोक्ता का, उसी प्रकार से किस पशुपालक का या किसान का भी क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से उस लिमिट के हिसाब से कितना भी वो पैसा निकाल सकता है। और फिर क्या ब्याज दर इस पे क्या है? ब्याज दर जो है प्रेजेंटली वो 7% है पर एनम के हिसाब से, और उसमें अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर उसको अगर भर देता है तो उसको 3% की सब्सिडी है, अर्थात उसको सिर्फ 4% का ब्याज देना, दर के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। और भी अन्य कोई योजना है, जैसे कि अभी कुछ गंभीर बीमारी होती है, सीजनल बीमारियाँ चल जाती है, सीजनल बीमारी क्या चल रही है पशु, जैसे सर्दी का मौसम? इस वक्त बेसिकली जो बीमारियाँ आ रही हैं वो आ रही हैं दस्त के, बहुत सारे केस आ रहे हैं पशु में, वैसे सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें आ ही रही हैं, और बेसिकली दस्त वगैरह के केस इस वक्त ज़्यादा है। जी, डायरिया के केस। जी ठीक है, चलिए हम अगले स्टॉल पर चल लेते हैं। अगला स्टॉल सर साथ में जी, जल संस्थान यानी जल की समस्या दूर करेंगे, क्या क्या समस्या क्षेत्र में ज्यादातर देखें? जल संस्थान की वैसे तो कोई समस्या है नहीं, थोड़ा लाइन पुरानी होगी ना इससे थोड़ा। क्षेत्र में पानी की टंकी का जो क्षेत्र आता है वो आपके अंदर आता होगा? हाँ, लीकेजिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है, लीकेजिंग लाइन पुरानी होगी ना, पुरानी होगी। अब अगले साल चलने वाला हमारे वहाँ ना काम, नया एक टैंक बनने वाला है बड़ा। आपके पास कौन कौन? लंढोरा नगर है। हाँ, क्या शिकायतें कुछ दर हुई है? शिकायत अभी तो नहीं आई, यहाँ अभी नहीं आई शिकायत। किस तरह से निवारण किया जा रहा है अगर कोई शिकायत आ जाती है? आप कोई भी शिकायत होती तो फिर शिकायत कर दे, लीकेजिंग की शिकायत तो फिर लिख के हम सीधे दूसरे दिन हो जाते हैं उस शिकायत। पानी की गुणवत्ता की हम बात करें, पानी क्षेत्र में सही आ रहा, साफ आ रहा? पानी फिलहाल तो साफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ से महीने में एक बार लगभग जल विज्ञान संस्थान वाले भी आते हैं ना रुड़की से, वो चेक करने के लिए ले जाते हैं, वो ले जाते हैं सैंपल ले जाते हैं, हर महीने ले जाते हैं। सैंपल केवल टंकी से लेते हैं कि घर घर जाके? टंकी घर घर जाके तो नहीं, टैंक का लेते हैं। हाँ, अगर पानी का जो पाइप है उसमें कहीं कचरा जमा हो जाता है उसको कैसे? वो लीकेज हुई तो हम ठीक कर देते हैं, कचरा अचरा भी उसकी सफाई का, तो उन्हें लोगों को अपना अपना ध्यान रखना पड़ता है अपनी टंकी का ना, फिर टंकी का ध्यान रखते हैं अपने लोग। और इधर है सिलेंडर, देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए स्पेशल क्या लेके आए हैं, कौन जानकारी देगा जी? उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला योजना है, फ्री में गैस मिलता है इसमें ना, और जिसके परिवार में कोई भी गैस कनेक्शन पहले से ना हो उन्हें मिलता है, उन्हें इसका लाभ मिलता है और ये बिल्कुल फ्री मिलता है। अभी यहाँ स्टॉल पे आपके साथ में कुछ लोग आए हैं, यह कोई गांव से जो लोग आ रहे हैं, क्या जानकारी किस तरह से? यही पूछ रहे हैं कि भाई हमारे परिवार में कोई गैस कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें हम कह रहे हैं कि हम आप पेपर जमा करिए, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह सब जमा करा रहे हैं हम, और उनको फिर प्रोवाइड करवा देते हैं एक दो दिन। प्रक्रिया क्या है उज्ज्वला योजना से जुड़ने के लिए? बस यही है, उसके परिवार में पहले से कोई गैस कनेक्शन ना हो,
और राशन कार्ड हो उनका, और राशन कार्ड में उसमें जितने भी सदस्य हो उनमें किसी के भी नाम गैस कनेक्शन ना हो, उन्हें सब अगर एक के भी नाम होगा तो फिर नहीं मिल पाएगा। हाँ, इसकी क्या फीस वीस कितनी रहती है? इसकी कोई फीस नहीं है, सब फ्री है, निःशुल्क है। हाँ, इसमें आधार कार्ड, इसमें वो मिलता है, एक तो चूल्हा आता है साथ में, और रेगुलेटर है, पाइप है, और सिलेंडर है भरा हुआ, ये सब मिलता है उसमें। लेने के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, आधार कार्ड से या सब कुछ और? आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और फोटो वगैरह, ये सब चाहिए क्या? कितने दिन में एक्टिव हो जाता है? इसमें 2 से 4 दिन का टाइम लगता है। घर पे पहुंच जाएगा? घर पे ही सब वही इंस्टॉल करते हैं, घर पे ही हमारा डिलीवरी मैन जाके घर पे ही करता है। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत कौन सी कंपनी है जो गैस के सिलेंडर प्रोवाइड करेगी, जैसे इंडियन है, भारत की एजेंसी है? ये तीनों गैस एजेंसी करा रही है, भारत भी करा रही है, इंडियन भी करा रही है, एसपी भी करा रही है। मतलब लोकल में जो सर्विस सेंटर होगा उसी के? जी, जिसकी जिस भी कंपनी का वहाँ गैस एजेंसी है, जिस भी गांव में, शहर में, तो वो वही एजेंसी कराएगी प्रोवाइड। आप आज तो यहाँ बैठे, अगले दिन आप कहाँ मिलेंगे अगर आपसे कोई मिलना चाहे? गैस एजेंसी पे मिलते हैं रोज, वहीं गैस एजेंसी पर आके वहीं पता कर सकते हैं कस्टमर, वहीं पेपर जमा कर सकते हैं, फिर वहीं से मिल जाते हैं। यानी अगर आपको अपने क्षेत्र में उज्ज्वला योजना का आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो भाई से आपके आके मिल सकते हैं। अगला स्टॉल देखते हैं, अगला स्टॉल किस चीज़ का है? ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। चलिए, ग्रामीण बैंक वाले हैं, कृषि विभाग वाले भी छुट्टी गए हैं, लंच में गए शायद, लेकिन ग्रामीण बैंक क्या क्या सुविधाएं आपके लिए लेकर आता है? ग्रामीण बैंक गांव के लिए क्या लेकर आया स्पेशल? सर, ग्रामीण बैंक के जो मेन सुविधाएं हमारे यहाँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिनके तहत 20 रुपये में हम साल भर का 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा देते हैं, 436 रुपये में साल भर का 2 लाख का आपका कोई सा भी, मतलब किसी भी तरह की आपकी मृत्यु हो तो बैंक 2 लाख का बीमा देता है, और 42 रुपये से 210 रुपये तक की अटल पेंशन योजना चली, जिसके तहत 42 रुपये में 18 साल से शुरू होकर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन की मिलती है। ये कौन ले सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है? 18 साल से लेके 60 साल तक के व्यक्ति का कोई भी इसका लाभ ले सकता है। उसका बैंक अकाउंट आपके यहाँ होना चाहिए? बैंक अकाउंट हमारे यहाँ होना अनिवार्य है सर। बाकी और एलिजिबिलिटी क्या किया उसके लिए, किस तरह से? जब सिंपल एक खाता खुलना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड से खाता खुल गया, उसके बाद जो दुर्घटना बीमा है, जो 20 रुपये वाला बीमा, उसमें व्यक्ति के 18 साल से उम्र 70 साल तक के लिए, जो जीवन ज्योति बीमा है उसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक के लिए। ऋण से संबंधित क्या है, लोन से संबंधित किसान के लिए क्या लेकर? हमारे लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, पशुधन बीमा योजना भी चल रहा है, और उसके तहत एग्री वाले ATL वगैरह भी चल रहे हैं, बैंक भी चल रहे हैं। जैसे किसान के लिए स्पेशल क्या चीज़ है आपके पास, जैसे किसान KCC बनता है? किसान के लिए हमारे सबसे जो उपलब्ध है, बहुत ही कहते हैं ब्याज दर 7% में कृषि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है वो उपलब्ध है हमारे यहाँ। किसान को अगर कहीं लेना हो तो कहाँ कहाँ उसको जाना पड़ेगा? उसके लिए सर मात्र 2 चीज़ें में आवश्यकता होती है, एक तो होता है जो खतौनी की नकल होती है, और खसरा जो पटवारी बना के देता है, उसके तहत जितने भी उसकी भूमि होती है, भूमि के हिसाब से हम उसको स्केल ऑफ फाइनेंस ऋण प्रदान करते हैं। सर, क्या कोई फसल बीमा योजना भी चल रही है? हाँ सर, इसमें फसल बीमा योजना के तहत भी आता है, अगर आप, क्योंकि गन्ने का कोई फसल बीमा नहीं होता, लेकिन गेहूँ और धान का फसल बीमा हम करके देते हैं बैंक। जी जी, आपका बैंक कहाँ? यहीं पर सर, लंडोरा में ही है, लक्सर रोड पे, लंडोरा में स्थित। जी जी, प्ले स्टोर पे चलते हैं, अगर आपको खाता खुलवाना है या फिर किसान बैंक से मिलना है आपको, तो बैंक से आप जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगला स्टॉल देखते हैं हम क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शिविर है यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को मकान मिले हैं, और लंडोरा क्षेत्र में आपके लिए क्या क्या खास है प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत? सर, क्या बताएंगे थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना? ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री ये सन 2015 में सरकार ने शुरू की, जिसके तहत जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति है और जिनका जो एरिया है वो 270 स्क्वायर फीट के लगभग होना चाहिए, जिसमें लगभग सभी जो, मतलब कि 70 वर्ष से आयु कम व्यक्ति है, उन्हें यह उपलब्ध कराई गई है। जिसमें कितने आवेदन आपके पास है? अभी कुछ अभी तक कुछ आवेदन आ चुके हैं हमारे पास। क्या कंप्लेन है? मतलब उनके अभी आए नहीं पैसे, बस जी जी। इसको फॉर्म भरने की प्रक्रिया, इसमें रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया क्या है? उसके लिए हमें राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए, और उसमें हमारा पैन कार्ड चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और उसका मूल निवास होना चाहिए, और भी कोई एक्स्ट्रा कागज है वो उसकी पूर्ति करते हैं जी। क्या क्या, कौन व्यक्ति है जो इसको ले सकता है, इस लाभ को लेने के लिए क्या उसके पास होना चाहिए? उसके लिए एक तो वह 70 वर्ष की आयु से कम होना चाहिए जी। दूसरी बात, जो संपत्ति होगी वो या तो महिला के नाम हो, या महिला नहीं है तो वो किसी पुरुष के नाम हो।
और जो भी डॉक्यूमेंट्स ये पूरे कर लेता है उसके लिए जो गरीबी रेखा में है केवल वही लाभ लेकर जी जी जो गरीबी रेखा है जीवन यापन कर रहे हैं जिनकी जो वार्षिक मालियत होती है जो आय होती है वो 18 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना जी सालाना जी वार्षिक अभी कुछ लोग हैं जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी जी बिल्कुल लाभ ले सकते हैं अगर वे यहाँ के निवासी है बिल्कुल अगर उत्तराखंड निवासी तो वो भी इस चीज़ का इतने समय में ये लाभ की योजना मिल रही है लगभग एक साल के अंदर हो जाती है एक साल या दो साल क्षेत्र में कहीं अभी बन रहे आवास योजना के तहत मकान बने कहाँ पे जी हाँ अभी बन रहे कार्य प्रगति पे है अभी अभी इसके लिए वो क्या बोलते हैं जियो टैग लेवल चल रहा है अभी हाँ जी सर्वे चल रहा है अभी जियो टैगिंग वगैरह चल रही है अभी कुछ समय पहले रुड़की के क्षेत्र में शायद बने हैं वो नहीं अभी तो नहीं मिले अभी फिलहाल जो अभी फिलहाल तो हमारे जो मिले हुए हैं ना सर वो तो सिर्फ अभी कुछ लोगों को ही मिले हुए हैं आवास योजना ग्राउंड कितना एरिया उसमें मिलता है क्या साइज जैसे उसका तो पौने 300 स्क्वायर फीट के समथिंग होना चाहिए वो एरिया जी अच्छा उसमें क्या चार्ज भी कुछ देना पड़ता था शायद उसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं रजिस्ट्रेशन चार्ज के निःशुल्क किस्तों में जाते हैं 40,000 फिर समथिंग 20,000 फिर मतलब 40 देते हैं इस हिसाब से 240 मिलते हैं इनको टोटल अभी शिकायतें ज़्यादा है कम्प्लेन कम है मगर ये कम ही है इनको नहीं मिला केवल उनकी आई है ज़्यादा है अच्छा आवेदन यहीं से लोग कर सकते हैं आके आपके स्टॉल से यहीं से कर सकते हैं यहीं से होगा अगर आज तो स्टॉल लगाए आज स्टॉल कल को नहीं रहेगा उसके बाद कहाँ मिलेगा यहीं पर ही हाँ जी अभी रहेगा आप मर्जी है अभी है एक मंथ है अगला वाला स्टॉल देख लेता हूँ अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो हस्तपुष्ट के लिए पोषण जरूरी है पोषण पोषण की जानकारी मैम आप देंगे आप ही देख दें आप क्या क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है किस तरह से जी मैं शायना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ केंद्र नंबर 10 लडोरा से जी इसमें हमारे यहाँ विभाग में जो बाल विकास विभाग है इसमें काफी योजनाओं का हमारा लाभ दिया जाता है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी और जो 6 माह तक के हमारे बच्चे दूध पीते हैं उन्हें अंडा और खजूर दिया जाता है और जो हमारे पास 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ने आते हैं सेंटर पे उन्हें दूध दिया जाता है और ये नाश्ते में हमें उन्हें खाना ये देते हैं और ये हमारा खाना है जो हम उन्हें नाश्ते में देते हैं जी इसमें मेन्यू में हमारा ये है जवे वाली सब्जी है पुलाव है सब्जी सहित दलिया है सूजी का हलवा है दाल चावल है मीठा चीला है और चावल साबुदाने की खीर है अलग अलग दिन का पूरा चार्ट जी हाँ पूरा 6 के 6 दिन का हमारा अलग चार्ट है ये और नाश्ता भी साथ में है और ये दूध का भी हमारा है यही हमारा इसमें प्रेग्नेंट लेडी का हमारा ये हमारा नंदागोरा योजना है जन्मी बच्ची का इसमें हमारी पहली बच्ची जो होती है उसका जनधनों का ये योजना भर जाते हैं इसमें हमारे कुछ पेपर होते हैं इसमें 6 महीना नंदागोरा जन्मी बच्ची का इसमें 6 महीने का टाइम होता है और 11,000 रुपए की इसमें लाभार्थी को लाभ मिलता है और हमारा एक है नंदागोरा 12th पास यानी कि जो हर साल कक्षा 12 की जो लड़कियां होती है हाँ जी उनके लिए लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ सर उत्तराखंड वाली जो है ना हमारी सिर्फ उन्हीं को वरीयता दी है जिसमें 51,000 का मिलता है इसमें हमारा 3 महीने का समथिंग टाइम होता है इसमें काफी पेपर होते हैं इसमें 51,000 का जी इसमें 51,000 रुपए मिलता है 12th पास में और हमारा एक प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चलती है जिसमें प्रथम गर्भवती जो हमारी होती है वो पहली बार जो माता बनती है उन्हें 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं लेकिन अगर वही माता दोबारा गर्भवती होती है और बाय चांस उनके बेटी होती है दूसरे नंबर पे तो उन्हें दोबारा फिर हमारा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ दिया जाएगा जिसमें उन्हें 6,000 की धनराशि दी जाएगी जी फिर से दी जाएगी इस बार सरकार ने ये योजना निकाली है पहले थी कि एक ही बच्चे पे थी इस बार दूसरी बेटी अगर होती है पहला कोई भी बच्चा हो लड़का हो या लड़की हो लेकिन दूसरी अगर बेटी होती है तो 6,000 के फिर यही योजना दी जाएगी जी एक हमारा है महालक्ष्मी किट इसमें क्या है हमारी जो पहली बच्ची होती है माता के जो पहली बच्ची होती है उसमें ये महालक्ष्मी किट दी जाती है जी इसमें माता के लिए और बच्ची के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें अंजीर है दूध है जी माताओं के लिए जी इसमें पहली 2 बच्चियों के लिए है हमारी पहली बच्ची के लिए भी और दूसरी के लिए भी इसमें माताओं के लिए कपड़े हैं बच्ची के लिए कपड़े हैं बादाम है अंजीर है तेल है साबुन है सब महीने का राशन हाँ जी पूरा है ये इसके अंदर हमारा ये हमारी सरकार ने योजना चलाई है तो ये हमारे विभाग उसमें जो हमारा आंगनवाड़ी है इसमें हमारे महीने में 2 प्रोग्राम होते हैं एक होता है अन्नप्राशन जो हमारा 6 महीने का बच्चा हो गया उनके अन्नप्राशन के लिए क्योंकि उन्हें माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार की जरूरत पड़ती है बढ़ता शरीर है तो उसकी जरूरत पड़ती है तो इसलिए अन्नप्राशन की होती है जिसमें हम उन्हें बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं और उन्हें गिफ्ट के तौर पे कुछ भी देते हैं एक और हमारा होता है गर्भवती का यानी कि गोद भराई उसमें हाँ जी उसमें हम माताओं को हरी सब्जियां
ये सारा सामान देते हैं और उन्हें बताते कि इस टाइम पे कि उन्हें कितनी अपनी देखभाल करनी है, क्या खाना है, कैसे आपके घर में पल रहा बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास होगा। गोद भरे का समय कब रहता है? ये हमारा 14 और 22 तारीख में, 22 तारीख में हमारी गोद भराई और 14 तारीख में हमारी बाल विकास वो है, सॉरी अनप्रसन्न है जी। कौन कौन सी महिलाएं हैं जो पार्ट वो कर? इसमें 5 मंथ 7 मंथ में हमारी गोद भराई होती है जी। अच्छा, और क्या योजनाएं हैं जैसे कि इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? हाँ, इसमें घर घर तक इसे पहुंचाने के लिए हम लोग गृह भ्रमण करते हैं, यानी कि घर घर जाके लाभार्थी से हम भेंट करते हैं, उसमें हम सभी योजनाओं को उन्हें लाभ देते हैं और जिसके भी हमें फॉर्म भरवाना है हम उन्हें बोलते हैं कि हमें इतने टाइम में ये पेपर दीजिए, आपको ये लाभ मिलेगा। आपके घर की जो पूरी जानकारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रखती है सारी? जी बिल्कुल, पूरे घर की जानकारी हम लोगों को, ये हमारे से बाकी और विभागों को भी जाती है जी। इसमें हमारे पास किशोरियों के लिए कैल्शियम की गोलियां भी आई थी पूरी 1 साल के लिए, वो हमने किशोरी को गोलियां भी दी है कैल्शियम की, और छोटे बच्चों के लिए जो हमारे पास 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी कैल्शियम की गोलियां आई थी, आयरन की गोलियां आई थी, जो हम हर हफ्ते सोमवार में बच्चों को खिलाई जाती है हमारी। आजकल एक प्रचलन है कि ऑपरेशन से ही ज्यादातर बच्चे पैदा होते हैं, क्या घर पे प्रसव होना संभव नहीं है? नहीं नहीं नहीं, घर पे प्रसव आज के टाइम में संभव नहीं है क्योंकि कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है। अगर हमारा तो ज्यादातर प्रयास ही रहता है कि हमारा जो लाभार्थी है जो प्रेग्नेंट लेडी वो ज्यादातर हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि वहाँ जो हम योजनाएं देते हैं उनमें हॉस्पिटल का जो पेपर होता है वो जरूर लगता है, जो डिस्चार्ज स्लिप होती है वो जरूर मान्यता है उसमें दी है, हर पेपर में वो जरूर है, तो इसलिए हम सबको यही सलाह देते हैं कि आप प्रसव जो है हॉस्पिटल में कराएं, और ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में कराएं तो बेटर है क्योंकि वहाँ उन्हें वो 14 हाँ जी वो भी मिलता है हॉस्पिटल से, जो 1400 रुपए का लाभ वो भी मिलता है, हमारी योजना तो मिल ही रहा है बाल विकास से, वहां से भी मिलता है, तो हमारा यही प्रयास है कि अगर सरकारी अस्पताल में ही प्रसव हो तो बेहतर है जी, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है उसमें। क्या क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है उनमें सुविधा मिल जाती है? नहीं, हमारा जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा सुविधा तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें ज्यादातर रुड़की में ही भेजना पड़ता है जी, मंगलोर या रुड़की भेजना पड़ता है, हमारे यहाँ इतनी सुविधा नहीं है। ये हमारी अपील है सरकार से यार, हमारे विधायक जी से भी और हमारे जो है कि हमारे हॉस्पिटल में जो है इतनी सुविधाएं कराए ताकि हमें अपने लाभार्थी को बाहर ना भेजना पड़े। कभी भी अचानक इमरजेंसी में, रात को इमरजेंसी में हो जाए, क्योंकि ज्यादातर आज का टाइम ऐसा है खान पान सही नहीं है, तो हमारा जो बच्चा है ज्यादातर वीक ही पैदा होता है और उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जो वो चाहिए ही चाहिए मशीन वगैरह जो भी है, ताकि हम ये क्योंकि बच्चे को एकदम डिस्चार्ज, अगर बच्चा हुआ कमजोर हुआ हमें एकदम उसे रेफर करना पड़ता है हॉस्पिटल में रुड़की के लिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर हमारे यहीं रहेगा तो बेटर होगा जी। जी बिल्कुल, ये सरकारी अस्पताल में बस एक हमारा यही है, बाकी और सब ठीक ही है जी बिल्कुल। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके लंडोरा से, लंडोरा में क्या क्या समस्या है और सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं बहुत है, आंगनबाड़ी बहन जी ने बहुत सारी जानकारी दी हमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे होम्योपैथिक का स्टॉल लगाया, होम्योपैथिक क्या देने वाला है स्पेशल, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। तो होम्योपैथिक वाले क्या लेके आए स्पेशल? होम्योपैथिक में देखिए हमारे यहाँ तो मेडिसिनल मेडिसिन वगैरह रहती हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं हाँ, और इसके अलावा हम लोग जगह जगह पर शिविर लगा करके लोगों को जागरूक करते हैं होम्योपैथी के प्रति, और होम्योपैथी के फायदे को लोगों को बताते हैं जिससे कि जो है लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सर एक कंपटीशन चलता रहा हमेशा आयुर्वेद होम्योपैथ और एलोपैथ, एलोपैथ को आप कैसे बेहतर बनाए? नहीं, हमारी सभी पैथियाँ अपने अपने क्षेत्र में बेहतर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सबका काम अलग अलग है, तो ये नहीं कह सकते कि कौन क्या है, सब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रही हैं। अभी इस क्षेत्र में लंडोरा में बैठे हैं आप, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आज देखने पाए? हमारे यहाँ पर स्किन डिजीज यानी कि त्वचा के रोग के संबंधित और पेट से संबंधित और बच्चों के आजकल भी रोगों से संबंधित कई पेशेंट बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ महिलाओं में जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड वगैरह सिस्ट वगैरह की समस्याएँ बढ़ रही हैं, इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो वो भी केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। कुछ गंभीर बीमारियां हैं, क्या उनसे ऑपरेशन से बचा जा सकता है होम्योपैथिक? बचा जा बिल्कुल बचा जा सकता है, बल्कि मेरे पास में ही कई केसेस ऐसे हैं कि जो ठीक हुए हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि महिलाओं में जैसे फाइब्रॉइड वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जबकि वो एक सर्जिकल डिजीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ कई पेशेंट इससे जो है लाभ ले गए हैं, और इनफर्टिलिटी भी इससे ठीक हुई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फाइब्रॉइड वगैरह या ओवेरियन सिस्ट की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन अगर ये फैक्टरी ही रिमूव हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम भी हट जाती है, और प्रेग्नेंट भी लेडीज जो है कंसीव भी हुई है, और इस तरह के केसेस और हमारे पास में है, डॉक्यूमेंट भी हैं बाकायदा है। जैसे सर्दी का मौसम चला है, सर्दी में क्या बीमारियाँ ज़्यादा देखने को?
सर्दी में तो कॉमन कोल्ड्स वगैरह है, राइनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, कभी कभी गले में दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बस बाकी तो सब नॉर्मल ही है। उम्र हो जाती है 55 के बाद में, उनको क्या किस तरह से ट्रीटमेंट उसको होम्योपैथिक में करते हैं? होम्योपैथिक में देखिए हमारे यहाँ कई प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं जो हमें बच्चों और बूढ़ों में खास तौर से हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि इस समय इस एज में आकर के प्रतिरोधक क्षमताएं कुछ कम हो जाती है, तो उनको तो एक तो सर्दी से बचाने के लिए कि भाई जब ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो कैसे हम उनको बचाया जाए, और जब बॉडी की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो जाहिर है कि हम किसी भी छोटी मोटी बीमारी से हमारा शरीर अपने आप लड़ सकता है। इसके लिए धन्यवाद। तो सर ये मीठी गोली वाले डॉक्टर थे हमारे साथ में, अभी जो कड़वी गोली वाले हैं उनसे मिल लेते हैं। कड़वी गोली में यानी एलोपैथ की बात हम करें, एलोपैथ में आज स्पेशल क्या है? सर लंडोरा वालों के लिए स्पेशल जितनी भी डिजीजेज हैं, जैसे स्किन डिजीज है इस समय सर्दियों में, उनको खाज खुजली की बीमारी और सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी फैली हुई है, उनके लिए दवाइयाँ हैं। और जैसे भी मरीज अपनी परेशानी बताते हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ दी। सुबह से कितने लगभग केसेस आपके पास में, क्या शिकायत ज्यादा है? जब से हम यहाँ पर कैंप में बैठे हैं 14 पेशेंट आए हैं, जिनमें से ब्लड प्रेशर के और ज्यादातर सर्दी जुकाम और खांसी के मरीज आए हैं। तो क्या कॉमन क्या निकला? कॉमन इस समय वायरल फ्लू फैला हुआ है, तो कॉमन उसी के मरीज आ रहे हैं। अभी किस तरह से प्रधानमंत्री जी की योजना है वो घर घर तक पहुँच रही है? जी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं केंद्र से संचालित हो रही हैं उनमें आयुष्मान कार्ड की एक योजना है जिसके लाभान्वित लोगों की संख्या लंडौरा में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जननी सुरक्षा, जच्चा बच्चा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जिसके अंतर्गत एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ तीनों चिकित्सा सुविधाएँ जनता जन तक पहुँचाई जा रही हैं। आयुर्वेद के द्वारा उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है, ऐसी दवाइयाँ केंद्र से भेजी जा रही हैं जिनका वितरण चिकित्सालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम आदि का वितरण भी केंद्र के तरफ से ही जो वित्त पोषित योजनाएं हैं उनके द्वारा परचेजिंग करके और चिकित्सालय के द्वारा वितरण किया जाता है। देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी, प्रसव वाली महिला थी जो प्रेगनेंसी के जो केस वाली महिला है वो भी आ रही, उनके लिए क्या? जी जननी सुरक्षा और जच्चा बच्चा जिसके अंतर्गत महिलाओं का निःशुल्क प्रसव कराया जाता है, प्रसव के बाद उनको आर्थिक मदद भी दी जाती है तथा चिकित्सालय में उनकी पर्ची 3 महीने तक फ्री रखी जाती है, जब तक उनका प्रसव नहीं हो जाता तब तक उनकी पर्ची फ्री होती है, प्रसव होने के बाद भी औषधियां उनको फ्री ही प्रदान की जाती हैं। अभी आंगनबाड़ी और आशाएं जो है मिल के सारे सिविल हॉस्पिटल के साथ कार्य करते हैं? जी उनके कोलैबोरेशन में ही ये कार्य होता है। आंगनवाड़ी आशाएं क्षेत्रों से जो प्रसव वाली महिलाएं होती हैं उनको चिकित्सालय तक लाती हैं, प्रसव केंद्र तक लाती हैं, जहां उनको एंटीनेटल केयर के रूप में पहले उनकी देखभाल की जाती है और वेट, ब्लड प्रेशर समय समय पर उनका लेकर के और उनको बाकी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और प्रसव भी चिकित्सालय में ही, लंडौरा चिकित्सालय में प्रसव केंद्र है जहाँ प्रसव कराया जाता है। प्रसव के बाद उनको आर्थिक मदद केंद्र पोषित योजनाओं द्वारा तथा चिकित्सा सुविधा भी फ्री दी जाती है। सर कभी कभी प्रसव में प्रॉब्लम हो जाती है कि छोटा क्लिनिक है आपका, छोटा हॉस्पिटल है सीएससी, नहीं उसको मैनेज कर पाता, तो फिर कहाँ भेज? जी अगर प्रसव में कोई परेशानी होती है तो चिकित्सालय में ही 108 गाड़ी उपलब्ध है, ये भी केंद्र पोषित योजनाओं में ही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वो 108 गाड़ी संचालित है। अगर कोई परेशानी हो जाती है तो तुरंत गाड़ी के द्वारा उसको जी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुड़की में रेफर कर दिया जाता है जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनका प्रसव कराया जाता है। जानकारी के लिए धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि अभी चल रही है विकसित भारत योजना, और क्या है ये विकसित योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लाभ है वो घर घर तक पहुँच रहा है।